हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ J-10C Jet JF-17 थंडर F-16 की एंट्री ऑन पाकिस्तान डे परेड, यानी कि 23 मार्च रिजोल्यूशन डे ऑफ पाकिस्तान है और हिस्टोरिक पाकिस्तान डे परेड है ये, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एंट्री हुई है नई नई आज, जैसे कि J-10C एलियन की एंट्रीज देखते हैं कैसी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मोजेज़ ख़वातीनो हज़रात, अब से कुछ ही लम्हों बाद मुमलिकत खुदादाद की फिजाई सरहदों के रखवाले आपके सामने फ्लाई पास का मुजाहरा पेश करेंगे। आज का फ्लाई पास बेपनाह अहमियत का हामिल है, क्योंकि हाल ही में पाक फिजाइया के दस्ते का हिस्सा बने 4.5+ जनरेशन J-10C लड़ाका तैयारे पहली बार परेड वेन्यू पर जलवागर होंगे। ये फ्लाई पास दरख्शां रवायत के मुताबिक पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री की कमान में आपके सामने पेश किया जाएगा। इस फ्लाई पास का मुनफरद अमर यह है कि सरबरा पाक फिजाइया के F-16 ब्लॉक 52 के हमरा दो J-10C आज के फ्लाई पास का आगाज करेंगे और लीनियर बॉम्बर्स पेश करते हुए सदर पाकिस्तान को मुनफरद अंदाज में सलामी पेश करेंगे। सरबरा पाक फिजाइया के हमरा J-10C तैयारों में मेवे परवाज हैं विंग कमांडर बिलाल रजा और स्कॉर्डिनेटर हसन अनीस। मोजेज़ ख़वातीनो हज़रात, निगाहें मरकूज रखिए परेड वेन्यू के दाएं जानिब के सरबरा पाक फिजाइया की फॉर्मेशन किसी भी लम्हे नमूदार हुई चाहती है। कभी भी शुरुआत और वो परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होती हुई सरबरा पाक फिजाइया के F-16 ब्लॉक 52 जिनके हमरा दो J-10C तैयारे तेजी के साथ सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन सदर पाकिस्तान को सब्ज हिलाली परचम के सामने ये एक खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश करेंगे। सलामी देने आ रहे हैं भाई J-10C। मोजेज़ ख़वातीनो हज़रात, ये सलामी का खूबसूरत अंदाज as approaching the venue is a three ship formation of the fast and furious mirages. मिराज तैयारों की इस फॉर्मेशन की कयादत विंग कमांडर राशिद सुलेरी कर रहे हैं, जबकि विंगमैन के फराइज फ्लाइट लेफ्टिनेंट दायान और स्कॉर्डिनेटर इमायत अदा कर रहे हैं। 300 फुट की बुलंदी और 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए मिराज तैयारे एक दिलकश अंदाज सदर पाकिस्तान को सलामी देने का। Enemy's biggest nightmare approaching the venue are the Griffins, four state-of-the-art F-16s of number 9 squadron. Air Officer Commanding St. Clair Command, Air Vice Marshal Zafar Aslam ki qayadat mein ye formation, Group Captain Zeeshan, Wing Commander Usman Niazi, Squadron Leader Waqas Rashid aur Squadron Leader Umair Riaz par mushtamil hai. In shahino ka nara hai, Bazoo-e Himmat se hai Parvaz-e-Shauk. Ladies and gentlemen, again approaching from the right is the nation's pride, the formation of 4 JF-17 Thunder of number 26 squadron, known as the Black Spiders. JF-17 Thunder तैयारों की इस फॉर्मेशन की कयादत विंग कमांडर ज़िशानुल्लाह बरियार कर रहे हैं, जिनके हमरा स्क्वाड लीडर राहील, स्क्वाड लीडर अब्दुल मोनिम और विंग कमांडर दानिश मैवे परवाज हैं। ब्लैक स्पाइडर्स का नारा है छपटना पलटना पलट कर छपटना। नेक्स्ट रनिंग इन टुवर्ड्स द वेन्यू इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लीथल एंड डिपेंडेबल मिराज एयरक्राफ्ट फ्रॉम नंबर 27 स्क्वाड्रन नोन एज द ज़रार्स। ख़वातीनो हज़रात, परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होती इस वक्त आपके सामने नंबर 27 स्क्वाड्रन के मिराज तैयारों की यह फॉर्मेशन विंग कमांडर अली शाह नवाज चीमा की कयादत में फ्लाईपास्ट का मुजाहरा पेश कर रही है। दीगर हवाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर काजी मुश्तबा, स्क्वाड्रन लीडर वलीद रऊफ और स्क्वाड्रन लीडर रामेश सफदर शामिल हैं। इन जांबाजों का नारा है दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया। Ladies and gentlemen, from the right, next formation heading towards the venue is of ever dependable F-7PG aircraft that belong to number 17 squadron, the Tigers. Officer commanding number 17 squadron, Wing Commander Kamran Yasin ki qayadat mein, ye formation Flight Lieutenant Hafiz Junaid, Squadron Leader Muhammad Bilal aur Wing Commander Zahid Jamal par mushtamil hai. Tigers ka nara hai, Zarb meri, Koh Shikan. Approaching from the right is the formation of the old guard and agile F-7P aircraft from Shooter Squadron. F-7P tayaron ki qiyadat Wing Commander Haseeb Abdullah kar rahe hain aur unke hamra Flight Lieutenant Farhan Khalid, Flight Lieutenant Rafe
और विंग कमांडर तैमूर नवाज खान मेवे परवाज है, मतलब कुछ शो, शूटर्स का नारा है, तेरे सामने आसमां और भी हैं। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट एंटिसिपेटेड, द इंपेशेंटली अवेटेड, अबाउट टू डेजल द वेन्यू, द फॉर्मिडेबल, द अवेयर, द हंटर, द गेम चेंजर, द विगरस ड्रैगन, द J10C। J10C फॉर्मेशन की कयादत विंग कमांडर इम्तियाज रहीम कर रहे हैं, जबकि विंगमैन के फराइज स्क्वाड्रन जीशान और स्क्वाड्रन अली कासिम सरंजाम दे रहे हैं, और ये सब हिलाली परचम के सामने सलामी देने का खूबसूरत अंदाज। आफ्टर द फाइटर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स, नाउ द फोर्स मल्टीप्लायर्स विल प्रेजेंट द फ्लाई पास्ट। फर्स्ट 3 AVACs आर अप्रोचिंग द वेन्यू। These aircraft are well known to be the eyes and ears of Pakistan Air Force in air. किसी भी एयर फोर्स में एयरबॉर्न सर्विलेंस सिस्टम फोर्स मल्टीप्लायर की हैसियत रखते हैं। आगे परवाज करने वाला तैयारा कराकरम ईगल 3 है, जिसमें मैवे परवाज, विंग कमांडर काशिफ हुसैन, स्क्वाड्रन लीडर अदनान साजिद और विंग कमांडर नबील इश्तियाक हैं। दाएं जाने परवाज करने वाले सैप 2000 को विंग कमांडर हसन यूसुफ, स्क्वाड्रन लीडर अवैस और स्क्वाड्रन लीडर अब्बास घुमन, जबकि बाएं जानिब विंग कमांडर वकास जेब, स्क्वाड्रन लीडर कासिम सलीम और स्क्वाड्रन लीडर आसिफ उड़ा रहे हैं। इन शाहीनों का नारा है, फिजाए बद्र पैदा कर। नाउ ऑन द होराइजन यू कैन सी अ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P3C ओरायन, व्हिच बिलोंग्स टू नंबर 28 स्ट्राइक स्क्वाड्रन ऑफ पाकिस्तान नेवल एविएशन। पाक बहरिया के जदीद तरीन P3C ओरायन तैयारे फॉर्मेशन में परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। ये तैयारे तवील फासले तक मुसलसल 17 घंटे फिजा में रहकर दुश्मन की आबदोजों और समंदरी जहाजों के खिलाफ ऑपरेशन करके इनको ठिकाने लगाने की बदौलत फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स के नाम से जाने जाते हैं। आज की ये फॉर्मेशन कमांडर सईद रूमी की कयादत में मैवे परवाज है, जिनकी मुआवनत लेफ्टिनेंट कमांडर असद खान कर रहे हैं। दाएं जानिब तैयारे में कमांडर ताहिर और कमांडर अकील, जबकि बाएं जानिब तैयारे में 28 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सलीम नासिर और कमांडर वलीद उड़ान के फराइज सरंजाम दे रहे थे। इन जांबाजों का नारा है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। पाक फिजाइया और पाक बहरिया का फ्लाई पास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। ख्वातीनों हजरात, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी यौम पाकिस्तान परेड से खिताब फरमाएंगे। ये थी खतरनाक एंट्रीज एंड कुछ सलामियां। J10C जेट और J17 F16 जैसे कुछ और भी जो थे लड़ाकू विमान, उनकी कुछ सलामियां थी। ये तो बहुत ही खतरनाक थी, सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा बढ़िया एंट्री जो मुझे लगी इसमें J10C की थी, क्योंकि वो नया भी है, मोस्ट अवेटेड, मोस्ट गेम चेंजर, मतलब एक गेम चेंजर भी है वो बोला जाता है। तो जैसे ही उनके उसकी एंट्री के बारे में ये बता रही थी, बोल रही थी मोहतरमा, तो उनकी आवाज़ पर मैं गौर करते हुए मैं समझ गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी ये एंट्री हुई है इसकी, तो मुझे सुनकर पता चल गया था कि ये J10C आने वाला है। तो इतना ख़तरनाक, इतनी तेज़ स्पीड वाला, बहुत ही ख़तरनाक, मतलब विमान, मतलब प्लेन लगा मुझे। सो बढ़िया था देखने लायक थी ये। अलग अलग प्लेन्स थे, अलग अलग लड़ाकू जेट्स थे इसमें, तो देखकर मज़ा आया। F-16 थंडर, ब्लैक स्पाइडर, रेगन और ऐसे ऐसे खतरनाक नाम दिए हुए हैं भाई, और वैसा ही इनका काम भी है। और देखने को भी मिला इसमें कि कितना स्पीड से क्या क्या कुछ कर सकते हैं। 900 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ रहे थे शायद वो। सो बहुत ही अमेजिंग था इसको देखना, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था इसको देखना। एंड पब्लिक भरी हुई थी, परेड चल रही थी, परेड तो अभी इसमें नहीं देखी, मतलब कुछ और भी बहुत कुछ हुआ होगा। मैंने तो अभी इसका ही वीडियो देखा था कि J10C की कैसी, मतलब एंट्री और कैसी सलामी होती है, सो वो देखना था मुझे, तो इसलिए ये वीडियो देखा है। सिर्फ जो प्लेन्स या जेट्स हैं उनके बारे में ये वीडियो था। सो आप कमेंट कर बताइए और इससे रिलेटेड कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर भेज सकते हैं वो वीडियोज़ मुझे,
जिस पर मैं रिएक्ट करूं तो वो जरूर भेजना। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओरिजिनल चैनल पर जाकर जरूर चेक करें, सब्सक्राइब करें, फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइन।